अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है, और इसके साथ हमें चंद्रमा पे पानी के साक्ष्य भी मिल चुके हैं और चंद्रमा पे काफ़ी कीमती मेटल मिलने की संभावना है। इसलिए अब की बार चंद्रयान 3 मिशन में वो कोई भी कमी नहीं छूटी है जो चंद्रयान 2 मिशन में रह गई थी। चंद्रयान 2 मिशन में हुआ यह था, जब लैंडर विक्रम उतरने ही वाला था, यानी चंद्रमा की धरती से थोड़ा ही दूर था, यानी 2.1 किलोमीटर दूर था, तब उसमें कुछ टेक्निक प्रॉब्लम आ गई थी। माना जाता है कि इसके नीचे जो बूस्टर लगे हुए थे, जो स्पीड को कम करने वाले थे, उसमें से एक बूस्टर सही से काम नहीं किया था, इसके कारण यह उल्टा हो गया था, और उल्टा होने के कारण उसकी स्पीड जो उसको धीमा करने यानी धीरे से नीचे उतरने में हेल्प करने वाली थी, वह उल्टी दिशा में लगने के कारण वह स्पीड से नीचे क्रेश हो गया और हमारा कनेक्शन उसी टाइम उससे डिसकनेक्ट हो गया। और अब की बार वो कमियां नहीं छोटी है, अब की बार उसमें एक सेंसर भी लगाया है, वह सेंसर चंद्रमा के पहाड़ या गड्ढों को ऑटोमेटिक सेंस करेगा और अपनी जगह को चेंज कर सकता है। इसके लिए इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल भी रखा है, यानी 100 किलोमीटर के दायरे में अपने लैंडिंग साइट को वह चेंज कर सकता है। इसलिए अब की बार का चंद्रयान 3 मिशन 100% सक्सेसफुल होने वाला है, इसलिए सभी भारतीयों के आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही है। वैसे दोस्तों, हम भी दूसरे देशों की तरह 4 या 5 दिन में आराम से अपने चंद्रयान को चंद्रमा पे लैंड करवा सकते थे, लेकिन इसमें ईंधन का खर्चा बहुत ज्यादा था। अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि अगर हम 4 डेज की जगह 42 डेज लगाएंगे तो ईंधन का खर्चा उससे भी ज्यादा आने वाला है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। हम ईंधन को ओनली उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए यूज करेंगे, और इसके बाद यह अपने आप पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के चक्कर लगाता रहेगा और इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब इसकी सिलेक्टेड स्पीड हो जाएगी, यानी जब यह लगभग एक चक्कर पूरा कर लेगा, तब हम इसमें इंजन स्टार्ट करके बूस्ट करेंगे और इसको सेकंड चक्कर में डाल देंगे। इस प्रकार यह धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता जाएगा और चंद्रमा के करीब जाता जाएगा, और इसमें ईंधन बहुत कम लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमें हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकालने के लिए 11.2 किलोमीटर/सेकंड की स्पीड से इसे ऊपर उठाना होता है, और हम अगर रेगुलर इसे इसी स्पीड से ऊपर उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा ईंधन लगने वाला है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने यह टेक्निक निकाली है कि कम ईंधन के खर्च में, यानी कम खर्च में हमारे चंद्रयान 3 मिशन को किस प्रकार से लॉन्च किया जाए। इसलिए चंद्रयान 3 5 से 6 अगस्त तक हमारी पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा और धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता जाएगा। अंत में यह जब हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर और चांद के करीब हो जाएगा, तब हम इसे फाइनल बूस्ट देंगे और इसे चांद की ग्रेविटी में डाल देंगे, और उसके बाद हम इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करेंगे, क्योंकि चांद की ग्रेविटी इसे अपनी ओर खींचने लगेगी और धीरे धीरे ये चांद की धरती के करीब जाने लगेगा। इसके बाद हम चंद्रयान 3 की स्पीड को धीरे धीरे कम करेंगे और चांद की ग्रेविटी इसे अपनी ओर खींचेगी, और 23 अगस्त को यह चंद्रमा पे लैंड हो जाएगा, और इसके बाद लैंडर विक्रम से हमारा रोवर निकलेगा और यह चांद की धरती को अच्छे तरह से स्कैन करेगा, और इसमें विभिन्न प्रकार के अच्छी क्वालिटी के सेंसर लगे हुए हैं, और वह सेंसर चांद की धरती के डेटा को कलेक्ट करके हमारे पास भेजेगा और हमें चांद की धरती के बारे में जानने को मिलेगा, और हमें यह भी जानने को मिलेगा कि क्या चांद पर जीवन संभव है या नहीं। और जो पिछली बार चंद्रयान 2 में गड़बड़ हुई थी, वह गड़बड़ अब की बार नहीं हो, इसके लिए हमने अलग से सेंसर लगा रखे हैं। दोस्तों, वैसे हमें पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए 11.2 यानी 40,000 से भी ऊपर की स्पीड पर घंटा मेंटेन करनी होगी, तभी हम पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकल पाएंगे और चंद्रमा की सतह पे लैंड कर पाएंगे। दोस्तों, इसी स्पीड को अचीव करने के लिए हमने इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्टर लगा रखे हैं, जो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी से चंद्रयान 3 को निकाल के चांद की ग्रेविटी में डाल देगा, और उसके बाद हम इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करके आराम से इसको चांद की सतह पे लैंड करवा देंगे। दोस्तों, यह काम काफ़ी कैलकुलेटिव होता है, यानी एक एक सेकेंड इसमें काफ़ी मायने रखती है। इस प्रकार से यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करता है, क्योंकि हम यहाँ से कमांड अगर भेजेंगे वहाँ पे लैंड होने के लिए, तो उसमें कमांड को वहाँ पर पहुँचने के लिए 3 या 4 सेकंड लगेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा समय है, और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इतने में तो क्या कर क्या हो जाएगा, इसलिए यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।